धर्मनगरी हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में सड़कें खस्ता हाल है। ज्वालापुर की त्रिमूत्री नगर की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना के साथ जल भराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क बनवाने को लेकर अधिकारियों को बार बार गुहार लगानी पड़ रही थी, तब जाकर कई सालों में त्रिमूर्ति नगर की सड़क बनाने का कार्य हरिद्वार जल निगम द्वारा कराया जा रहा था। आज सड़क के निर्माण कार्य में लग रही टाइल्स की गुणवत्ता और कार्य सही ना होने को लेकर स्थानीय लोगों और हरिद्वार के मेयर पति अशोक शर्मा ने हो रहे कार्य को रुकवा दिया। साथ ही प्रदेश सरकार और जल निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी जी पहुंचे। क्या निपटाए पाई है पढ़ाई थोड़ा? यहाँ की जनता का फोन आया था तो अब यहाँ आए हैं मौके पर जांच करने, और देख रहे हैं कि नीचे बेस नहीं है और ढलान बिल्कुल ऐसे हो रखा है, बिल्कुल ही कहीं इधर है कहीं नीचे है कहीं ऊंचा है, ऊपर खावड़ सड़क बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉयल की सड़क है ये, और नीचे बेस नहीं है और पानी का निकास भी कहीं नहीं है। तो जैसे ही जो है बरसात या पानी भरेगा थोड़ा सा भी, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल जो है टूट जाएगी, और गुणवत्ता टाइलों की गुणवत्ता भी सही नहीं है। किस योजना से बन रही है और कौन कार्य करा रहा है? ये जल संस्थान और रक्षण इकाई से बन रही है जैसा कि बताया गया है। अब मेरा तो मतलब कोई इसमें राजनीति की बात नहीं है, केवल इतना निवेदन है कि भाजपा कांग्रेस सब एक ही, वही जनता है जो भाजपा को वोट देती है, वही जनता है जो कांग्रेस को देती है, कभी अन्य को भी जिता देती है। तो ये भाजपा कांग्रेस की तो कोई इसमें बात नहीं है। जैसे लोग कह देते हैं कि कोई भी बात उठाओ कि भाई ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो आम जनता की आवाज़ है। और मेरा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि ये हरिद्वार लावारिस क्यों हो रहा है, हरिद्वार लावारिस क्यों है, क्यों जो है इस तरह की मनमानी चल रही है। गुणवत्ता बिल्कुल जीरो है, चाहे किसी भी निर्माण कार्य की देख लो, बिल्कुल जीरो गुणवत्ता है। तो ये इतने जो है अधिकारी और ठेकेदार इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो रहे हैं? ये गैर जिम्मेदार मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना बुद्धि है, मेरा विवेक है, या जो जनता कह रही है, ये कहीं ना कहीं जो है बंदर बांट का चक्कर है। और मेरा निवेदन है हरिद्वार वासियों से कि आप जागो और देखो कि आपकी जो है क्वालिटी जो 10 साल चलनी चाहिए, 20 साल चलनी चाहिए, क्यों एक या दो महीने में वो सड़कें टूट रही हैं, क्यों वो निर्माण कार्य एक या दो महीने में। आज ही एक पेपर में हमने पढ़ा अभी सुबह ही कि भाई एक महीना पहले ही सड़क टूटी थी। तो हरिद्वार लावारिस क्यों है, जिम्मेदार अधिकारी कहाँ हैं, जिम्मेदार जो है मंत्री कहाँ हैं? मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे जो है पार्टीगत ना छोड़ के जनता के दर्द को समझें। और सत्ता तो आनी जानी है, आप लोग जो है जनता की मांगों को देखें, जनता के दुख दर्द को सुने, और कितना करोड़ों रुपया वेस्ट चला जाएगा अगर ये इसका अच्छा निर्माण ना हुआ, गुणवत्ता इसकी ना देखी परखी गई, तो करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद हो जाएगा। तो अभी काम चल रहा है या रुकवा दिया गया? अब काम रुकवा दिया गया है और जनता कह रही है हम बैठेंगे यहीं पर धरना प्रदर्शन लगाएंगे, और जो है जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे। जिलाधिकारी जैसे निवेदन है कि कम से कम एक बार आके देख तो लीजिए आप कि भाई क्या बात है क्या नहीं बात है। मेरा निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के, एक बार देख तो लीजिए। कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहीं पड़ोस में हूँ, गली में। क्या शिकायत है बताओ? शिकायत यह है कि रोड के जो निर्माण हो रहे हैं ये सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, और इसकी कुछ भी क्वालिटी नहीं है। जो आज हम लोगों ने पार्षद जी, हमारे सभासद जी, सब लोगों को बुलाया, ज्वालापुर के जितने भी थे, और उन सब के सामने ये सही पाया गया कि जो ये काम यहाँ हो रहा है वो सही तरीके से हो नहीं रहा। क्या कमी महसूस लगी? ये कमी ये है कि जैसे टेंडर में ठेकेदार से हम लोगों ने पूछा, उसने बताया टेंडर भी जैसे इसका पास है कि जो टाइल्स है उसके नीचे कच्चे सीमेंट का वो लगना चाहिए, बेसमेंट वो नहीं है। हाँ, और एक जगह भी कहीं भी एक मीटर दो मीटर भी बेस नहीं दिया है, सिर्फ मिट्टी पे ये वृक्ष लगा रहा है ठेकेदार। और इससे क्या होगा कि आज अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है, और ट्रैक्टर टेलर और ये जो चलते हैं सैकड़ों गाड़ी इस रोड पे रोज चलते हैं, 17 टन 18 टन लोड लेकर के। अभी क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि इसका निर्माण दोबारा से हट के अच्छी तरीके से हो। किस योजना के अंतर्गत बन रहा है ये ठेकेदार का? ये ठेकेदार का तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, दीपक है लड़का जो उनका सुपरवाइजर है। कौन सा विभाग बना रहे हैं ये? तो गंगा उससे प्रोजेक्ट से बन रहा है ये। हाँ, जमीन से काट।